नमः शिवाय। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन 14 अप्रैल 2022 को होने जा रहा है, तो इसका कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार से प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए, 14 अप्रैल 2022 को सुबह 8:33 पर सूर्य गुरु की राशि मीन राशि से निकलकर अपनी मित्र राशि और अपनी उच्च राशि मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं और यहां पर 15 मई 2022 तक उच्चस्थ स्थितियों में रहने वाले हैं। तो इसे एक माह की समयावधि में प्रत्येक राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव सूर्य का देखने के लिए मिलेगा। 14 अप्रैल 2022 से लेकर 15 मई 2022 तक की समयावधि में कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में ग्रहों के राजा सूर्य का कैसा प्रभाव देखने के लिए मिलेगा, इसकी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों को प्रभाव के साथ साथ कुछ विशेष उपायों की जानकारी भी देंगे। तो सबसे पहले इस राशि परिवर्तन का क्या महत्व रहेगा, यह जानकारी दे रहे हैं। देखिए, वैदिक ज्योतिष में सूर्य का विशेष और गहरा महत्व है। सूर्य को काल पुरुष की आत्मा कहा जाता है और सूर्य को राजा भी कहा गया है। सूर्य को संपूर्ण जीव जगत की आत्मा माना जाता है क्योंकि ऊर्जा, बल और प्रकाश की प्राप्ति संपूर्ण जीव जगत को, संपूर्ण मानव जाति को सूर्य के द्वारा ही होती है। सूर्य को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र और मान सम्मान की प्राप्ति का कारक ग्रह मानते हैं। जन्म कुंडली पर यदि सूर्यदेव बली हो तो जातक को हर क्षेत्र में सफलता देखने के लिए मिलती है। सूर्य के बली होने पर सरकारी और राजनीतिक जीवन में कम प्रयास करने पर ही सफलता मिल जाती है। सूर्य को क्षत्रिय वर्ण लाल रंग और पूर्व दिशा का स्वामी मानते हैं। चंद्रमा, मंगल, गुरु सूर्य के मित्र होते हैं जबकि शनि, राहु, केतु सूर्य के शत्रु ग्रह माने गए हैं। जब भी जन्म कुंडली पर सूर्य पीड़ित होते हैं तो व्यक्ति के अंदर उतावलापन, हड्डियों का रोग, आंखों से जुड़ी हुई समस्याएं, पीलिया की समस्या, ऊंचाई से गिरने की समस्या लगातार बनी रहती है। हड्डी से जुड़ा हुआ टूटने का भय भी लगातार बना रहता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव सूर्य का यह परिवर्तन दे रहा है। कन्या राशि वाले जातकों की चंद्र राशि के ऊपर यह राशिफल आधारित है, आप इसे इसी आधार पर देखने का प्रयास जरूर करें। कन्या राशि वाले जातकों की राशि के लिए सूर्यदेव विशेष योग कारक ग्रह माने गए हैं। यहां पर कन्या राशि वाले जातकों के राशि के अष्टमेश सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं और राशि के अष्टम भाव से मुख्य रूपेण व्यक्ति की आयु, मृत्यु, आकस्मिक धन लाभ, विदेश, दुर्घटनाओं के बारे में विचार करते हैं। सूर्य का राशि के अष्टम भाव में गोचर होना कन्या राशि वाले जातकों के लिए मिला जुला प्रभाव दे रहा है। इसमें कन्या राशि वाले जातकों के खर्चों में वृद्धि होने की प्रबल संभावना दिखाई देगी। करियर के मामले में कन्या राशि वाले जातकों को मेहनत सोच समझ कर करने की आवश्यकता रहने वाली है। कन्या राशि वाले जातकों को करियर के मामले में कठिन मेहनत और एकाग्रता बनाकर चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। आकस्मिक करियर के मामले में परिवर्तन होने की संभावना बन रही है, परंतु कन्या राशि वाले जातक यदि किसी प्रकार से जॉब का परिवर्तन करने के लिए योजना बना रहे हैं तो आपको रुकना चाहिए। अचानक कोई धन के बड़े लाभ होने की संभावना आपके जीवन में भी बनेगी। गड़ा हुआ धन यानी आपके गुप्त धन या पैतृक संपत्ति प्राप्त होने का भी प्रबल योग दिखाई दे रहा है। राशि के सप्तम अष्टम भाव में मौजूद होकर सूर्यदेव सप्तम दृष्टि से राशि के धन भाव को देख रहे हैं। दाएं नेत्र से जुड़ी हुई समस्या आपको हो सकती है और कन्या राशि वाले जातकों को इस समय अंतराल के दौरान विशेष रूप से हड्डियों से जुड़ी हुई समस्या आपको परेशान कर सकती है, इसलिए सेहत के प्रति आपको सावधानी जरूर बरतना चाहिए।
और कन्या राशि वाले जातकों को गैर कानूनी कार्यों को करने से भी बचना चाहिए, तो यह समय आपके लिए श्रेष्ठ और बेहतर रहेगा। यदि आपके लिए उपाय की जानकारी दिया जाए, नित्य प्रति सूर्य देव को जल अर्घ देना और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना आपके लिए श्रेष्ठ और बेहतर रहेगा। पिता तुल्य व्यक्तियों का विशेष रूप से सम्मान करें। भोजन करने के उपरांत यदि नित्य प्रति गुड़ का सेवन आप करते हैं तो भी सूर्य की स्थितियां आपकी राशि के ऊपर या आपकी जन्म कुंडली के ऊपर बेहतर बनेगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए कन्या राशि के जातक अपना ख्याल रखें। ओम नमः शिवाय।